तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है, इसमें जो भर्ती है इसमें कई डिपार्टमेंट में पोस्टें आई हुई हैं। ये कॉन्टेक्चुअल है लेकिन धीरे धीरे क्या होगा आपका रेगुलर बेसिस पे हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या भर्तियों के बारे में देखते हैं। तो जो अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा फॉर्म सुटेबल कैंडिडेट फिल अप द फॉलोइंग नॉन फैकल्टी पोस्ट, ये कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे लिखा हुआ है लेकिन आप टेंशन मत लो। मेडिकल साइंस गोरखपुर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड अप्लाई फॉर पोस्ट एंड अंडर मेडिकल सुपरिटेंडेंट है और सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग का इंजीनियर का है, रजिस्ट्रार का है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल का है, असिस्टेंट कंट्रोलर इंजीनियर एग्जामिनेशन का है, असिस्टेंट एओ का पोस्ट है, लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट का है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का है, पर्सनल असिस्टेंट का है, यूडीसी का है। सब में एक एक पोस्टें हैं और यूडीसी में चार है, टोटल 14 पोस्टें हैं। पे लेवल अलग अलग है, सो आपको दिखाई रहा हूँ मैं, ठीक। तो रिक्रूटमेंट आप क्या कर सकते हो कि आप एक सेकेंड, मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया, ये जो आपका दिया है रिक्रूटमेंट सेल एडमिन ब्लॉक मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। 30 दिन के अंदर आपको भेजना है। बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो वो सबकी। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट में आप देख रहे हो कि आपका क्या होना चाहिए, मेडिकल क्वालिफिकेशन और इंक्लूड फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल्ड पार्ट सेकंड थर्ड शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। पर्सन क्वालिफिकेशन मतलब वो दिया है उसके लिए एसेंशियल के लिए क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये आपको दिख ही रहा है, ये पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, ठीक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये देख रहे हैं आप, ये दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट वही दिखा दूँगा। रजिस्ट्रार का दिया हुआ है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, क्लियर। ऑफिस अंडर द सेंट्रल ये उसके लिए होना चाहिए आपका, ठीक है। ऑटोनोमस एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल्स के लिए दिया हुआ है, असिस्टेंट के लिए है, असिस्टेंट एओ के लिए है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का दिया हुआ है, लाइब्रेरियन गेट, पर्सनल असिस्टेंट ये है। यूडीसी का मैं पढ़े दे रहा हूँ, यूडीसी के लिए आपको क्या होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफिस अंडर द सेंट्रल या स्टेट या यूटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस बॉडीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होल्डिंग एनोलॉग्स पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस। देखिए ये यहाँ लिखा है ना, पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस और विथ 8 ईयर, नहीं वो उसके लिए है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए है। आपको 8 ईयर रेगुलर सर्विस इन ग्रेड पे 1900 रेलिवेंट फील्ड, ठीक है। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट या प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, क्लियर। तो ये हुआ है और आपका जो एज है द मैक्सिमम एज दिया हुआ है, द मैक्सिमम एज लिमिट अप्लाइंग द फॉर 56 साल होना चाहिए, ठीक। ये हो गया, आइए आगे बढ़ते हम लोग, जो इम्पोर्टेंट वही ये फॉर्मेट में आपको भर के भेजना है उस फॉर्म को, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।